चंडीगढ़ से, जहां मनोहर मंत्रिमंडल का विस्तार आज होना है। दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। काफी दिनों से इसका इंतजार था और आज वो दिन आ गया जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। दोपहर 12:30 बजे का वक्त शपथ ग्रहण के लिए मुकर्रर किया गया है और लंबे इंतजार के बाद आज राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। आज शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो मनोहर मंत्रिमंडल का विस्तार आज होना है। दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और बताया जा रहा है कि 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। 6 बीजेपी के कोटे से, 1 जेजेपी और 1 निर्दलीय विधायक जो है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और आज शपथ ग्रहण समारोह है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अनिल विज का और कंवरपाल गुर्जर का मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है। वैसे भी ये पुराने नेता हैं और बीजेपी के साथ बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार आज होना है और शपथ दिलाई जानी है मंत्रियों को। काफी दिनों से जब से सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ दिया था उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और लगातार तब से ही कयासों का बाजार गर्म था। रोज हर वक्त लगता था कि तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन काफी लंबे अरसे के बाद, काफी वक्त के बाद अब जाके तस्वीर साफ हुई है। तो आज शपथ ग्रहण समारोह है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया गया है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कुल 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। बीजेपी के 6 मंत्री शपथ ले सकते हैं और 1 जेजेपी का और 1 निर्दलीय विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। कमलेश ढांडा और ओम प्रकाश यादव भी शपथ ले सकते हैं। जेजेपी से अनूप धानक भी मंत्री पद की रेस में हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और आज मनोहर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। सूत्रों के हवाले से यही बड़ी खबर आ रही है कि 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं आज। सीमा त्रिखा मंत्री नहीं बनेंगे, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में से एक ही मंत्री बनाया जाना है और मूलचंद शर्मा मंत्री बनाए जा सकते हैं। मूलचंद शर्मा को ये मौका मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, सीमा त्रिखा नहीं बनाई जाएंगी मंत्री। सीमा त्रिखा का भी नाम चल रहा था, लेकिन अब खबर यह मिल रहा है कि वो मंत्री नहीं बनेगी। मूलचंद शर्मा को मौका पार्टी दे सकती है। मूलचंद शर्मा मंत्री बनेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। सीमा त्रिखा बड़कल से विधायक हैं और जीत के आए हैं। मूलचंद शर्मा भी जीत के आए हैं और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में एक ही मंत्री बनेगा ये बताया जा रहा है और उसमें मूलचंद शर्मा इस वक्त रेस में आगे चल रहे हैं।
ये खबर मिल रही है कि मूलचंद शर्मा आगे चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। और सीमा त्रिखा नहीं बनेंगी मंत्री। इन सबके बीच आज 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है राजभवन में। राज्यपाल शपथ दिलाएंगे आज पद और गोपनीयता की मंत्रियों को। राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, खबर यह मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि सीमा त्रिखा नहीं बनेंगी और मूलचंद शर्मा को मौका दिया जाएगा। फरीदाबाद लोकसभा से एक ही मंत्री होगा, आपके पास क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जो हरियाणा न्यूज के पास लगातार जो जानकारी चंडीगढ़ से मिली है वो यही मिली है कि ब्राह्मण चेहरा देखते हुए मूलचंद शर्मा, और मैं आपको बता दूं कि दूसरी बार बहुत बड़े मार्जिन से 42,000 वोटों से मूलचंद शर्मा जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण चेहरा बीजेपी के चाहिए था पूरे प्रदेश में, जो कि जिस तरीके से ब्राह्मण जो कि काफी नाराज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से थे, तो उनको कहीं ना कहीं मनाने और लुभाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो ब्राह्मण चेहरे को कैबिनेट में कहीं ना कहीं मंत्री बनाया जाएगा। मूलचंद शर्मा पर लगातार नेता आया है मंत्रालय का साफ तौर पर, और सुबह से जिस तरीके से हलचल चंडीगढ़ में मूलचंद शर्मा को लेकर, केंद्रीय राज्य मंत्री अभी मूलचंद शर्मा के पास पहुंचे हैं, उनका स्वागत मूलचंद शर्मा ने केंद्रीय राज्य मंत्री का किया है। तो मूलचंद शर्मा का लगभग मंत्री बनना पक्का माना जा रहा है और वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं सीमा त्रिखा कयास ये भी लगाया जा रहा है कि बड़कल की जो विधायिका है सीमा त्रिखा, वो भी कहीं ना कहीं मंत्री मंडल में शामिल हो सकती है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में 2 महिलाएं जिस तरीके से बीजेपी की जीत के आई हैं, तो कयास ये लगाया जा रहा है कि बड़कल की विधायक सीमा को इस बार मौका मिलेगा। पर जिस तरीके से जो मार्जिन उनका काफी कम है, लास्ट के राउंडों में जाकर कहीं ना कहीं जीती है, और तमाम चुनाव की परिस्थितियों को देखते हुए अब कयास ये लगाया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीमा त्रिखा को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। जी ठीक है, लेकिन बीच में खबरें ये भी चल रही थी राजा कि महिलाओं को तरजीह दी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो नामों की सूची है उसमें एक भी महिलाओं को शामिल नहीं किया है। हालांकि हो सके कि आगे चल के 2 महीने 3 महीने या 6 महीने बाद किसी महिला को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है उनको 11 विभाग दे दिए गए हैं। कल एक नोट जारी होता है जिसमें 11 विभाग बड़े बड़े विभाग दुष्यंत चौटाला को दे दिए गए हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं उनमें से निर्दलीय विधायक को भी, निर्दलीय एक विधायक है उनको भी कहीं ना कहीं मंत्री बनाना है, और बीजेपी के तमाम अलग अलग जो नेता है बड़े बड़े उनको भी मंत्री बनाना है। तो हो सके कि इन मंत्री पद मंत्रियों को बनने के बाद 6 महीने बाद या फिर 3-4 महीने बाद किसी महिला को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जाते जाते एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। मूलचंद शर्मा के निवास पर और उनके कार्यालय पर इस वक्त फरीदाबाद में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब से कल देर रात से जिस तरीके से हरियाणा न्यूज को ये जानकारी मिली थी कि मूलचंद शर्मा का नाम फाइनल हो चुका है, वो मंत्री बनेंगे, तो जिस तरीके से जैसे ही हरियाणा न्यूज की टीम उनके कार्यालय पर पहुंची, तो लगातार रात को 11 बजे के करीब काफी तादाद में लोग बाग कहीं ना कहीं मूलचंद शर्मा के जो भाई हैं टिपरचंद शर्मा उनको बधाई देने रात से ही लग गए। मैं आपको तो ढोल नगाड़े रात को ही बजने चालू हो गए थे, बम पटाखे फूटने चालू हो गए थे। मैं आपको बता दूं कि सुबह का समय और अभी भी जो कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं मूलचंद शर्मा के निवास पर कार्यालय पर कहीं ना कहीं पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, दर्शकों तक हर हलचल हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें कि मूलचंद शर्मा को मंत्री बनाया जाएगा, ये इस वक्त की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। और सीमा त्रिखा को मौका इस वक्त तक जो खबर है उसके हिसाब से मंत्रिमंडल में नहीं मिल रहा है।